कोई मृत है उसके बाद उसको पैसा नहीं आ रहा है, उसने दस्तावेज जमा कर दिए अपने बेटे के, बेटे ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कर दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये सारी चीजें तो मतलब पाक्षिक रूप से तो आपके जांच का इशू सॉल्व भी हो जाए, उसके बाद उसको टेकअप कर लेते। सबसे पहले जो हितग्राही जिनका उद्देश्य हमारा ये था, जिनका कोई ना कोई किश्त बाकी है और काम उन्होंने कर दिया और उनकी शिकायत है कि साहब हमारा तो काम हो गया उसके बाद भी हमारा पैसा नहीं आ रहा है, उसको हम टेकअप कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शीघ्र ही करते हैं, मंडे तक हम पहले ये सॉर्ट आउट कर ले, मंडे तक हम एक फाइनल सूची बनाना चाह रहे हैं कि किस किसका कितना कितना पैसा बाकी की डिमांड भेजते हैं, उसके बाद हम टेकअप करें। अच्छा सर, नगर पालिका पर कुछ पैसा है नहीं अभी पीएम आवास योजना का? अभी 7,90,000 रुपए इनके अकाउंट में है। 7,90,000 रुपए आज के अद्यतन रिपोर्ट के हिसाब से इनको दे दो। आज भी पीएम आवास वही बना सकता है जो जमीन उसके नाम पे। केवल एक है, जहाँ आप बनाओगे वहाँ पे आपको वो जगह आपके नाम होनी है, और वो जगह मिनिमम 300 स्क्वायर फीट तो होनी चाहिए, नॉर्मल 300 स्क्वायर फीट मिनिमम होनी चाहिए, 350 स्क्वायर फीट। कोई आता है, अर्बन डिपार्टमेंट ने नॉर्म्स तय किए हुए हैं कि फाउंडेशन होगा उसके बाद ही किश्त आएगी, और ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है आरसीसी का होना चाहिए, सीमेंट का होना चाहिए, लोहे की छड़ होनी चाहिए, अब ऐसा नहीं है पक्का मकान होना चाहिए। अब कोई बोले कि हमने कच्ची नींव बना दी है और हमको भुगतान हो जाए तो अपात्रता की श्रेणी में आए, नियमानुसार उसका पैसा इंजीनियर नहीं डाल सकते। तो ऐसे भी कुछ घर होंगे जिन्होंने नॉर्म्स के हिसाब से काम नहीं किया है, उनको आप लोगों को प्रेरित करना है, और मेरी तरफ से भी अपील है कि भाई जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से करें, कच्चे घरों में भुगतान नहीं हो सकता। सर ये बैठक क्यों रखी गई है आज? विधायक जी ने नगर पालिका की बैठक ली थी उसके उसमें रखी गई आवेदन आए थे जो मुख्य रूप से ऐसा नहीं बोल सकते, मुख्य रूप से पीएम आवास में सबसे ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे विधायक जी की बैठक में, सबसे ज्यादा ये समस्या आ रही थी कि हमारा पहला किश्त बाकी है, दूसरा किश्त बाकी है, किश्तें बाकी हैं, उन किश्तों के बाकी होने के कारणों का निराकरण तत्समय बैठक में तत्काल संभव नहीं था, और उसके बारे में एक ये भी जानना था कि क्या कारण है कि इनकी किश्त बाकी है, खास तौर पर उन आवेदनों के निराकरण के लिए बैठक रखी गई है, बैठक और एक चर्चा और शाखा प्रभारियों से दस्तावेजों की जांच रखी गई है। आज कोई ऐसा हितग्राही हो जिसका निराकरण हो गया हो एकाध का? आज बहुत से हितग्राहियों का इन्होंने निराकरण करके ये बताया कि किसका किश्त बाकी है, और जियो टैगिंग के बाद आपको तुरंत पैसा आएगा, ये लगभग मैंने तो अभी आया हूँ बैठक में, लेकिन ये लगभग 11 बजे से आप लोग बैठे थे यहाँ। सर पीएम आवास योजना से हटके और भी आवेदन आए थे उसके अंदर, उसके लिए नहीं है कोई सुनवाई? नहीं, मैंने आपको बताया वर्तमान में प्रायोरिटी प्राथमिकता हम उन आवेदनों को दे रहे हैं जो पीएम आवास की किसी न किसी किश्त बाकी के कारण आए थे, निराकरण सभी आवेदनों का होगा। अब उसमें अलग अलग आवेदन आए थे, अलग अलग विषयों के आए थे, कोई नामांतरण से रिलेटेड था, कोई नाली के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है उसके संबंध में था, कोई जल प्रदाय से संबंधित भी आवेदन था, तो वर्तमान में हम लोग पीएम आवास की शेष किश्तों के बारे में बैठे हुए हैं, और बाकी सभी आवेदनों का शिकायतों का भी निराकरण किया। सर पूर्व में नगर पालिका चुनाव से पहले 3,000 फार्म भरे गए थे, उन आज तक उन आवेदनों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया? हाँ, आपके द्वारा भी कई पत्र नगर पालिका को जारी किए गए। 2900 आवेदन प्राप्त हुए थे हमें पूर्व सर्वे में, वो हमारे पास संधारित है, वार्ड वाइज उनकी सूची संधारित है, परंतु वर्तमान में एक नगरीय निकाय जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उससे एक पत्र प्राप्त है जिसकी कॉपी आपको दे दी गई है, उसमें निर्देश है कि अभी वर्तमान में कोई भी डीपीआर तैयार नहीं होना, भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है पीएम आवास योजना, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, और केंद्र सरकार के वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक निर्णय लिया गया कि वर्तमान में अभी कोई डीपीआर तैयार नहीं करनी है, तो क्योंकि डीपीआर ना तैयार करने के निर्देश प्राप्त हुए इसीलिए उस सर्वे को रोक दिया, सूची हमारे पास है, जैसे ही निर्देश प्राप्त होते हैं कि अब डीपीआर तैयार करना है तो सर्वप्रथम उन 2900 आवेदनों पर विचार होगा, और भी हम व्यापक प्रचार प्रसार नगर पालिका के द्वारा करवा के और भी नवीन आवेदन लेंगे और फिर उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मतलब वो जो रुका हुआ है वो केवल और केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिए गए भारत सरकार के निर्णय के पालन में रुका हुआ है। सर पीएम आवास में बहुत कम बजट है अभी, पात्र हितग्राही बहुत सारे हैं, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा इतने सारे लोग किसी
नहीं बिल्कुल, जो DPR सैंक्शन है उसके पैसे की डिमांड जैसे ही जाती है नगर पालिका से ULB से, वैसे ही तत्काल उसकी जांच करके पैसा डाल दिया जाता है। अगर पैसा कम है इसका मतलब स्पष्ट है कि नगर पालिका के द्वारा डिमांड रेज नहीं की गई, परंतु देखने में मिल रहा है कि बहुत सारे लोग आवेदन दे रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उसी कमी को पूरा करने के लिए हम एक बृहद सर्वे करवा रहे हैं वार्ड प्रभारियों के द्वारा संबंधित पार्षदों की निगरानी में, और इसके नोडल CMO साहब रहेंगे, मैं भी इसकी निगरानी करता रहूंगा। सोमवार तक मैंने कड़े निर्देश दिए हैं कि एक एक व्यक्ति का नाम जल्द वार्ड वार डिटेल हमारे पास जमा हो जाए कि हमारे वार्ड में सारे DPR में इतने लोग थे जिसकी फलानी फलानी किश्त पेंडिंग है और उस पेंडिंग किश्त का कारण क्या है। इसमें दो तरीके से हमारे पास डाटा आ जाएगा, या तो अपूर्णता, कार्य अपूर्णता के कारण किश्त पेंडिंग रहेगी जिसके लिए हम प्रेरित करेंगे कि भाई आप कार्य पूर्ण करें तो आपका जियो टैगिंग हो, और दूसरी एक सूची तैयार होगी कि कार्य पूर्ण हो गया है, जियो टैग हो गया है, उसकी किश्त आनी है, तो उसको हम तत्काल ऊपर प्रेषित करके उनके लिए फंड मंगवा लेंगे। सर कई बार नगर पालिका पर आरोप लग चुके हैं जो पात्र हितग्राही नहीं थे उसको भी जो है कि PM आवास योजना का लाभ मिल चुका, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। अब ये शिकायत की जाँच एक अलग विषय है कि जो पात्र नहीं है उसको डाल दिया गया, क्योंकि उसको तो उस समय पात्र माना गया तब उसका नाम आया, अगर उसके बाद उस पर आरोप लगते हैं कि अपात्र हैं तो उसकी जांच नगर पालिका को करनी चाहिए थी, और ऐसे कोई भी प्रकरण है उसकी सूची अगर वो आवेदनों की जो अपात्र लोगों को पैसे डाले गए ऐसे ऐसे कर्मचारी अधिकारियों पर जांच होगी क्या जिन्होंने ये पात्रता में कर दिया और नहीं होने के बाद भी? हम पहले इसको देखते हैं गंभीरता से इस विषय को जो आपके द्वारा उठाया जा रहा है कि क्या ऐसा तथ्यात्मक रूप से सिद्ध हो रहा है कि अपात्र व्यक्ति को डाला गया है, वो अपात्रता की श्रेणी में आता है। शिकायत प्राप्त होना और शिकायत के जांच के उपरांत उसको सही पाए जाने में निश्चित रूप से कार्रवाई।